Welcome to my channel MDoc 147। Friends, आज हम बात करेंगे coordinate conflicts के बारे में। कौन से होते हैं paramagnetic, कौन से होते हैं diamagnetic, कौन से होते हैं colored, कौन से होते हैं colorless। किस तरह हम आसानी से करेंगे ये वाले conflicts जो मैं यहाँ पर examples दिए हैं, इन examples को कैसे हम जल्दी में solve करेंगे। एग्जाम में हमारे पास ना टाइम नहीं होता है, किस तरह से हम इनको देख कर ही बता सकते हैं, थोड़ा सी इन पे वर्कआउट करके ही हम बता सकते हैं कौन से होते हैं कलर, कौन से होते हैं कलरलेस, और इसी तरह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे रिएजेंट हमारा कौन सा है, अमोनिया है। अमोनिया कौन सा रिएजेंट होता है, न्यूट्रल रिएजेंट होता है। जब न्यूट्रल रिएजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कौन सी पॉजिटिव, जो कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज पॉजिटिव होती है वही मेटल की चार्ज भी होती है, यानी कि प्राइमरी वैलेंस मेटल की वही होती है जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन की होती है। डेस्पाइट अगर तभी ये होता है जब हमारे रिएजेंट सारे क्या होंगे, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर हमारा यहाँ पर है, कॉपर किस स्टेट में है हमारा, कॉपर पॉजिटिव स्टेट में है। कॉपर कौन सा हमारा सिस्टम होता है, D9 सिस्टम, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है कॉपर की, इसकी होती है 3D10 4S1 होती है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्यूजन कॉपर पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3D10 सिस्टम। तो D में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। D में इसके हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा D10 सिस्टम है, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि D में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, कलरलेस होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम दूसरा यहां पर देखते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा ये वाला हो गया। इसमें हम देखेंगे पहले प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी ऑक्सीजन स्टेट मेटल की। अब हम ऐसे नहीं करेंगे जो मैंने दिखाया आपको मेथड प्रीवियस वीडियो में, ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम आपको सिखाएंगे। देखो साइनेट की वैलेंसी क्या होती है, -1। जब 6 साइनेट्स हैं, 6 साइनेट्स कितना चढ़ाएंगे, ये 6 होंगे -6 मेटल में, कितना चढ़ाएंगे +6। यहां पर ऐसे करेंगे ये मेटल में चढ़ाएंगे +6, ठीक है। अब यहाँ पोटेशियम 4 है, 4 पोटेशियम, 1 पोटेशियम होता है +1, 4 पोटेशियम कितने होंगे +4। जब पोटेशियम 4 होंगे +4, मेटल पे कितना चढ़ाएंगे -4, तो मेटल पे कितना चढ़ाएंगे -4। यहाँ देखो इसकी वजह से साइनाइड की वजह से चार्ज बढ़ेगी मेटल पे +6, इसकी वजह से पोटेशियम की वजह से मेटल पे चार्ज बढ़ेगा -2, तो नेट कितना बचा, 6 से उतारेंगे 2 तो वहां पर कितना बचा हमारा +4, ठीक है ना। तो हमारे मेटल पे यहां पर चार्ज कितना है +4 है, मेटल पे हमारा चार्ज है, ये हमारा यहां पर आयरन है +4 स्टेट में। यहां पर अब देख लीजिए दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये है हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो इसमें कितने साइनेट्स हैं, 6 साइनेट्स हैं। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे x+1 उस हिसाब से नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स में किस तरह करेंगे इसको। अब देखो एक साइनेट हमारा कितना बैलेंस होता है, -1 होता है, साइनेट एक होता है -1। अब देखो ये 6 साइनेट्स हैं, 6 साइनेट्स कितना चढ़ाएंगे इसको, अगर ये 6 साइनेट्स हो गए -6, मेटल में कितना चढ़ाएंगे +6, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस तो चढ़ाते हैं। अब यहां ध्यान दे, 6 साइनेट्स का हो गया -6 अपनी चार्ज, तो मेटल पे कितना चढ़ाएंगे +6। अब देखो 4 पोटेशियम, 1 पोटेशियम होता है +1, 4 पोटेशियम का कितना होगा +4, जब 4 पोटेशियम की चार्ज होगी +4 तो मेटल पे कितना चढ़ाएंगे -4, मेटल पे चढ़ाएंगे -2। अब देखो इनकी वजह से मेटल पे चढ़ा +6, इनकी वजह से चढ़ा मेटल पे -4, तो नेट कितना बचा +6 से -4 निकालेंगे वहां बचा +2। इसका मतलब जो हमारा मेटल है ये किस ऑक्सीजन स्टेट में मौजूद है, +2, ठीक है ना। अब हमें वो लॉ ऑफ मेटल्स का देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमें पता चला हमारा आयरन, आयरन जो हमारा है ये +2 स्टेट में है, ठीक है ना। आयरन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3D6 4S2 है, ठीक है ना। जब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, अभी आयरन 2 पॉजिटिव, यानी कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन
निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3D6 सिस्टम, यानी कि हमारे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब लिगेंड कौन सा हमारा है, साइनाइड। साइनाइड जो होता है शट ऑफ में बिजली करती है, पेयर करवाता है, मैंने पहले बता के रखा, ये क्या कराएगा इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये दो बन जाएंगे खाली, और यहाँ पर होगा हमारा एस होगा, यहाँ पर होगा हमारा पी होगा, ठीक है ना। तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, कोई नहीं है, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा, तो ये होगा डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं, आप यहां देख लीजिए, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दे दो, ये साइनाइड है यहां पर, अब आप यहां ध्यान दे दीजिए, ये साइनाइड है यहां पर, 6 साइनाइड है, एक साइनाइड की वैलेंस है -1, यानी कि चार्ज पे है -1, 6 की चार्ज करेंगे -6, मेटल पे कितना चढ़ाएंगे +6, तो मेटल पे चढ़ा इसने +6, अब ये तीन पोटेशियम यहां से, तीन पोटेशियम, एक पोटेशियम मतलब +1, तीन पोटेशियम क्या होंगे +3, तो मेटल पे कितना चढ़ाएंगे अपोजिट चार्ज, तो उस पे चढ़ाएंगे -3, तो मेटल पे चढ़ाएंगे -3। अब नेट कितना बचा यहां पर, आप ध्यान दे दीजिए, अब यहां पर +6 से -3, नेट कितना बचा हमारा +3 बचा, इसका मतलब जो आयरन हमारा इस कॉम्प्लेक्स में, जो हमारा आयरन है ये किस स्टेट में है, +3 स्टेट में, ठीक है। जब आयरन हमारा हो गया +3 स्टेट में, हमारे आयरन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3D6 होती है, 4S2 होती है, ठीक है ना। जब इसे तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पहले निकलेंगे S2, फिर निकलेगा D1, ठीक है ना, तो वहां का कितना बचा हमारा नेट, तो 3D5, तो ये हमारा कौन सा सिस्टम बन गया, 3D5 सिस्टम, ठीक है ना। जब 3D5 यहां पर डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना, अब 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें, अब देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए अपन लिगेंड कौन सा है, लिगेंड हमारा साइनाइड, साइनाइड क्या होता है स्ट्रांग क्यूटी लिगेंड, ये क्या कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाएगा, तो ये यहां पर इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, ऐसा एक पेयर ही रहेगा, तो यहां पर हमारा क्या बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या होगा, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या होगा पैरामैग्नेटिक, तो ये होगा हमारा कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कन्वर्ट होगा और होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, आई बात समझ में। अब जरा ये वाला कॉम्प्लेक्स हम करते हैं इसी तरह, शाबाश, जरा आप इसको मेरे वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इस पे खुद ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं दिखाता हूं, इसको ट्राई कर लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए, इसी हिसाब से ट्राई कर लीजिए, आप पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, मैं दिखाता हूं, यहां पर निकल है साइनाइड है, यहां पर चार है, चार साइनाइड कितना चढ़ाएंगे, एक साइड का माइनस है, चार का होगा -4, तो ये इस पे कितना चढ़ाएंगे मेटल पे, ये इस पे चढ़ाएगा यहां पर +4 चढ़ाएगा। अब देखो यहां पर -2 मौजूद है कॉम्प्लेक्स पे, तो -2 अपना मौजूद है, तो नेट कितना बचा +4 से -2 निकल, वहां क्या बचा +2, तो यहां पर निकल हमारा किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो निकल जो हमारा है +2 स्टेट में, निकल कौन सा सिस्टम होता है D8 सिस्टम, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 3D8 4S2, ठीक है ना। जब निकल +2 स्टेट में है तो ऐसे क्या दो इलेक्ट्रॉन्स रखा था, तो वहां क्या बचा हमारा 3D8 सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो, ये हमारा D है 1 2 3 4, ठीक है ना, अब 8 डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे अब लीगल पे नजर डालो लीगल कौन सा है साइनाइड साइनाइड क्या होता है स्ट्रॉन्ग क्यूटी लीगल ये क्या करवाएगा पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो इसका क्या बच गया हमारा 1 2 3 4 तो यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल रह गया एनपीटी उसके बाद हमारा एस है इसके बाद हमारा पी है ठीक है ना तो कितने लिगेंड्स हैं 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी DSP2 ये होगा स्केलेटन अब हमें वहां पर कुछ नहीं इस वक्त शेप के साथ हमें सिर्फ देखना है कलर होगा कलरलेस होगा
अब आप देख लीजिए जब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। तो ये होगा कलरलेस, कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जरा ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं NiCO4, इसपे कौन सी चार्ज है, हमारा कार्बन क्या होता है, न्यूट्रल ही है, यहां पर भी कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब जो मेटल में चार्ज होता है वो जीरो होगी, इसका मतलब मेटल में चार्ज क्या होती है, जीरो। जब यहां पर भी कोई चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल भी लिगेंड भी न्यूट्रल होता है, तो इस वक्त कॉम्प्लेक्स में चार्ज होती है जीरो। तो हमारे लिखा है किस, इसका एटॉमिक नंबर है 28, जीरो स्टेट में। ये तो कंफर्मेशन क्या है इसकी, 3d8 4s2 4s2। ठीक है ना, आप डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अब इसके बाद s है, ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, p है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां पर हमारे s में 2, ठीक है ना। अब क्या, अब लिगेंड पे नजर डालो, लिगेंड कौन सा हमारा है, कार्बन है, कार्बन इतना स्ट्रांग क्योंकि लिगेंड होता है, ये s के दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाता है d में, ये s के इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाता है d में, तो ये जब s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे d में तो ये वाले क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, तो इनकी कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी, आप ये हमारा d है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अब ये जो दो पेयर थे ये दो आ जाएंगे यहां पर, ये भी बन जाएंगे हमारे क्या बन जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। अब हमारा s हो गया खाली और p हमारे क्या है, खाली, तो ये क्या बन जाएगा, हमारी रिएक्शन क्या होगी, sp3 होगी इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, नहीं है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा होगा डायमैग्नेटिक और क्या होगा, कलरलेस। समझ में आ रही है बात, आप जरा इस कॉम्प्लेक्स को खुद कीजिए, इसी तरह इस हिसाब से कीजिए। अब जरा हम यहां पर ध्यान देते हैं ये वाले CuCl2, कॉपर का हो क्या होता है, -1, दो कॉपर का क्या हो जाएगा, -2, तो इसमें कितना चढ़ाएंगे, +2, तो इस कॉपर में कितनी चार्ज चढ़ेगी, +2 चढ़ेगी, ठीक है ना, +2 है, तो कॉपर जो हमारा है +2 स्टेट में, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1 होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते, एक निकलेगा एस से और एक निकलेगा यहां से डी से, तो ये क्या बन गया हमारा 3d9 सिस्टम। 3d9 का मतलब d में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या होगा, कलर कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब जरा इसमें ध्यान देना, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड क्या हमारा है, ये है -1, तो इसमें क्या करेगा, +1, कॉपर हमारा होगा +1, यानी कि खाली ये कॉपर की कॉन्फिगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन इसे निकलेगा, तो ये होगा क्या होगा, d10 सिस्टम होगा, d10 सिस्टम होगा, तो ये वाला क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, ये होगा कलर, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा कलरलेस, कलरलेस होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जरा यहां पर देख लीजिए, वैनेडियम ऑक्साइड हमारा, वैनेडियम ऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है -2, तो ये वैनेडियम पे कितना चढ़ाएगा, +2, तो वैनेडियम क्या होता है हमारा, 3d3 सिस्टम, इसी कॉम्बिनेशन में 3d3 4s2, जब ये वैनेडियम +2 स्टेट में, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के d में कितने बचे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये भी वीक न्यूक्लियर है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो d में हमारे क्या होंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, कवर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। ZnCl2 इसका कीजिए, अब देखिए क्लोरीन दो है हमारे, ये दिखाएं गए -2, इस पे कितना चढ़ेगा, +2, अब जिंक +2 है, जिंक होता है d10 सिस्टम, इसकी कॉम्बिनेशन है 3d10 4s2, जब ये 2 +2 स्टेट में, तो दो ऐसे निकल जाएंगे, यहां क्या बचे, d10 सिस्टम, तो ये क्या हमारा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। अब जरा KNO4 को देख लीजिए, आप KNO4 एक ऑक्सीजन दिखाता है -2, ये चार ऑक्सीजन, ये क्या दिखाएंगे, मेटा में कितना चढ़ाएंगे, 4, 1 दिखाता है -2, तो ये +8, इसकी वजह से चढ़ेगा +8, ऑक्सीजन 4 की वजह से, पोटेशियम एक +1 है, मेटल कितना चढ़ेगा, -1, तो नेट कितना बचा यहां पर, +7, तो हमारा मैग्नीज किस स्टेट में है, +7 स्टेट में, ठीक है। अगर हम तो मैग्नीज हमारा हो गया +7 स्टेट में, मैग्नीज कौन सा होता है, d5 सिस्टम, ये है 3d5
4s2। जब ये इसे पूरा 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 और 2 निकल गए, ठीक है ना। तो हमारे d में कौन इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया 3d0 4s2, ठीक है ना, सॉरी 3d0 4s0। तो d में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर ये कैसे कलर, ये कलर जो हमारा कौन सा हाईली कलर होता है, इंटेंस कलर होता है, कैसे, इसमें एक नई चीज जिसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर होता है डी ऑर्बिटल्स में, उस वजह से भी कलर आ जाता है। उसको मैं ड्रॉ दिखाता हूं यहां पर, ये हमारा मैग्नीज है, इसमें डी ऑर्बिटल है, ये हमारा डी ऑर्बिटल, यहां पर ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर इसका पी ऑर्बिटल है जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसमें देता है डी में, तो लिगेंड से ट्रांसफर हुआ कहां पर, मेटल में चार्ज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं LMCT, इसकी वजह से भी कलर आ जाता है। यहां पर तो KM को हमारा इंटेंस कलर होता है ड्यू टू LMCT, ठीक है ना, तो ये कलर होता है LMCT की वजह से, ठीक है ना। अगर यहां पर K2Cr2O7 दूसरा कॉम्प्लेक्स कीजिए, जो हमारा K2Cr2O7 इसकी पहले ऑक्सीजन स्फीयर देगी, ऑक्सीजन एक दिखाता है प्लस 2, साथ के साथ दिखाएंगे ये होगा -14, इस पे चढ़ाएंगे +14, इस पे चढ़ाएंगे +14। अब दो पोटेशियम दिखाएंगे +2, एक दिखाएंगे +1, दो चढ़ाएंगे +2, तो इस पे कितना होगा मेटल पे -2, पोटेशियम की वजह -2, तो नेट कितना बचा वहां पर +12। तो इस पे Cr2 जो हमारे क्रोमियम है दो पे है +12, तो एक पे कितना होगा +6, +12 बॉन्ड दो में तो +6 +6, तो एक क्रोमियम पे चार्ज है +6, एक क्रोमियम पे चार्ज है हमारा +6। क्रोमियम क्या होता है 3D, ये होता है 3D4 सिस्टम, 3D5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कंबिनेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और 1 6 हुआ, एक सिंपल कंफ्यूज मत होना, इसका होता है 3D5 4s2 3D4 4s2, क्योंकि ये एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंबिनेशन, इसमें एक आता है इसमें, तो बन जाता है 3D5 4s1। अब +6 है 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब अगर ये क्या होता है हाईली कलर कॉम्प्लेक्स होता है, कलर कहां से आ जाता है, इसमें भी यही होता है LMCT होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इसमें भी, तो ये भी हाईली इंटेंस कलर कंपाउंड होता है, समझ में आई बात। तो ये थे सारे कॉम्प्लेक्सेस जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो अब हमने जाना कलर इन कॉम्प्लेक्स किस तरह आ जाता है, अभी तक आपने पढ़ा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं, उसकी वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से डी ट्रांजिशन होता है, डी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे डी में, उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एक कलर आ जाता है डी ट्रांजिशन की वजह से, दूसरा जो आता है जो हमने भी नहीं बताया कि LMCT की वजह से, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जहां पर मेटल के ऑर्बिटल्स फिल होते हैं और लिगेंड के ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, वहां पर मेटल से जाता है लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं NLCT। तीसरी किसकी वजह से होता है, NLCT की वजह से। फोर्थ वजह जो होता है कलर का, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे हमारे पास है AgI7 iodide, ये होता है येलो कलर का, इसमें क्या होता है, इसमें आपने खजानों को पढ़ा है, खजानों में यहाँ पर आयोडाइड का इलेक्ट्रॉन कलर पोलराइज होता है किसकी तरफ, Ag की तरफ, जिसकी वजह से Ag में क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। तो चार तरीकों से कंपाउंड्स में कलर आ जाता है, किन किन तरीकों से, पहला डीडी ट्रांजिशन, दूसरा LMCT की वजह से, LMCT का मतलब हुआ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तीसरा हुआ NLCT की वजह से मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और फोर्थ क्या हुआ पोलराइजेशन की वजह से। इन चार वजह की वजह से क्या आता है, चार वजहों की वजह से मेटल में सॉरी कंपाउंड्स में क्या जाता है, कवर आ जाता है। तो ये था सारा किसके बारे में, कवर और कवरलेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।